हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर है जियोलॉजी ऑप्शनल। ये आपका IAS, IFS, फॉरेस्ट सर्विसेज और GSI और जो भी जियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक हेल्पफुल लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देख रहे हैं जियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर 2 का सेक्शन बी में इकोनॉमिक जियोलॉजी। अभी तक हम काफ़ी सारे ये मिनरल्स पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉपर रिसोर्स के बारे में। तो कॉपर से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस देखें तो पेपर 2 इकोनॉमिक जियोलॉजी, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में सर्च करूं तो कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर डिपॉजिट में पूछा हुआ है कि इनमें डिफरेंस बता दो। देन पोरफायराई कॉपर डिपॉजिट किस तरह से नेचर में पाए जाते हैं। देन इसके बाद ये मलंजाकार्ट कॉपर बेल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर सीधे मिनरल्स से पूछा है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया, पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद मिनरोलॉजी, जियोलॉजी एंड ओर जेनेसिस, तीनों चीज़ें पूछी हुई हैं। फिर इसके बाद क्षेत्रीय कॉपर बेल्ट, इसको जस्ट मैप पे दिखा देना है और यही लास्ट क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ अक्रेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर ओरिजिन वगैरह दिखेगा। ओरिजिन में आपको ये पोरफायराई कॉपर डिपॉजिट, पोरफायराइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोग्राफिकल, इसमें आपके तो आ जाएंगे मलंजाकार और क्षेत्रीय बेल्ट जो भी हैं। रिजर्व्स इन इंडिया पूछा है। प्रोडक्शन कैसे होता है, पीक कॉपर का एक कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन में रिसाइकिलिंग का क्या रोल है। देन माइनिंग एंड मेटलर्जी, इंडिया में माइंस, प्रोसेस ऑफ माइंस और यूज़ ऑफ कॉपर। तो इस लेक्चर में जो ये लेवल 2 का लेक्चर है इसमें मैं आपको इन टॉपिक्स को डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ जस्ट इंट्रोड्यूस करके छोड़ दूंगा। तो इनको हम लेवल 3 में डिस्कस करेंगे, या फिर आप जब रटो 3 यूनिट्स मिनरोलॉजी, इग्नस मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री आप रटो, उसके बाद इनको रटना शुरू करना। इस कोर्स से रिलेटेड जो सिनॉप्सिस आई एस का टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ साइन GEOL। देन इसको आप सिनॉप्सिस आई एस की वेबसाइट पर यहाँ पर ऑप्शनल्स में या फिर कोर्सेज में ऑप्शंस में जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये इसकी डिटेल्स हैं जियोलॉजी ऑप्शनल की। तो यू कैन सी दीज ऑल थिंग, दिस इज़ बेसिक लेक्चर। यहाँ पर पूरा सिलेबस जो हम कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा एनीवेज। तो अगर हम कॉपर की बात करें, सबसे ज़्यादा जान पहचान वाला जो मिनरल है दैट इज़ कॉपर। कॉपर उन कुछ मेटल्स में से एक है जो नेचर में डायरेक्ट ऐसे फॉर्म में मिलते हैं, इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इनको नेटिव मेटल्स या नेवे मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तभी कॉपर आप देखते हो ब्रॉन्ज एज टाइम से, एटलीस्ट 10,000 ईयर्स तब से ज़्यादा पहले से यूज़ किया जाता रहा है। लेकिन जो कॉपर की माइनिंग हुई है अगर हम देखें तो 95% कॉपर माइन आपका लास्ट 100 साल में हुआ है, और उसमें से भी हाफ आपका लास्ट 25 ईयर्स में। तो इसको आप ऐसे फिगर में दिखा सकते हो। साथ में कॉपर में एक खास बात यह है कि ये पेट्रोलियम या और उस टाइप के एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की तरह ख़त्म नहीं हो जाता, इसकी रिसाइकलिंग लगातार होती रहती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बनी रहती है। इसको हम पीक कॉपर के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। अभी पहले बात करते हैं मिनरोलॉजी की, इसके ओर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपोजिशन और कॉपर परसेंटेज। तो आपको ओर के एटलीस्ट नाम याद रखो, एक दो के परसेंटेज याद रखो। ऑक्साइड ओर में है क्यूपराइट एंड टेनोराइट। तो क्यूपराइट Cu2O, मोस्टली लोगों को इतना ही याद होता है। टेनोराइट भी है, इसमें CuO है, कॉपर परसेंट ऑब्वियसली थोड़ी कम है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ Cu के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है। देन इसके बाद जो दूसरे टाइप के ओर होते हैं दोज आर सल्फाइड्स। तो चालकोपाइराइट्स, CuFeS2, ये आप जानते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बोरोनाइट, इसको पीकॉक ओर भी कहते हैं। देन चालकोसाइट, देन कोवेलाइट, देन ये सारे ओर्स होते हैं। इनको जितना आप याद कर पाओ उतना याद कर लो, एटलीस्ट इनको याद कर लो, जिनमें 60% या एटलीस्ट 79, ये वाले 3 तो याद कर ही लो, ठीक है। चालकोपाइराइट एक इम्पॉर्टेंट ओर है, इसका सल्फाइड ओर है। देन इसके बाद हम देखें कार्बोनेट या सिलिकेट या एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये नेटिव कॉपर मिलता ही है जिसमें Cu 100% है। सिल्के फॉर्म में ये है, और यहाँ पर मैलेचाइट और एज्यूराइट, ये आपके कार्बोनेट ओर्स हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए, जब भी मिनरोलॉजी पूछे तो ये टेबल बना के आप क्लासीफाई इनको करो। देन मोड ऑफ अक्रेंस, इनको हम मेनली माइनिंग जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कॉपर किन किन फॉर्म्स में पाया जाता है, डिसेमिनेटेड फॉर्म्स, वेन्स एंड लोड्स में, जो इस तरह के वेन्स और लोड्स होते हैं इनमें पाया जाता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जब मेटामॉर्फिज्म किसी कॉन्टैक्ट के साथ होता है वो मेटामॉर्फिक में पढ़ेंगे। मैग्मेटिक सेग्रीगेशन, ये हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि बेडेड डिपॉजिट क्या होते हैं या मैग्मेटिक सेग्रीगेशन होते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इकोनॉमिक जियोलॉजी एक अप्लाइड सब्जेक्ट है।
और यहाँ पे आपको ज्योग्राफी नहीं लिखनी है, क्योंकि आपने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया होता है और आप मैप वैप बना देते हो, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए ऑब्वियसली आपको सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है सिलेबस में, जनरल जियोलॉजी, जियोमॉर्फ से लेके स्ट्रक्चरल पैलियंटोलॉजी, स्ट्रेटिग्राफी सब एप्लीकेबल है, मिनरोलॉजी, तीनों पेट्रोलॉजी और माइनिंग जियोलॉजी, ठीक है, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल, और साथ में जियोकेमिस्ट्री। तो आप सबसे अच्छा स्कोर अगर किसी में कर सकते हो, दूसरों से अलग खड़े हुए दिख सकते हो, दैट इज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी। और इसको लोग जस्ट ऐसे हवा हवा में पढ़ लेते हैं कि ये तो हाई यील्डिंग टॉपिक है और फलाना टाइप का, इट इज़ नॉट हाई यील्डिंग टॉपिक, इट इज़ मोस्ट टिपिकल टॉपिक। अकरेंस ऑफ इंडिया देखते हैं अगर हम इन जनरल, अभी तो हमने देखा कि इसका इन जनरल कैसे कैसे दिखता है, लेकिन इंडिया में किन फॉर्म्स में दिखता है, तो इंडिया में इन इन फॉर्म्स में दिखता है, वेन्स, स्ट्रिंजर्स, पैचेस में दिखता है, डिसमिनेटेड फॉर्म्स, फ्रैक्चर और क्लीवेज फिलिंग में दिखता है। मोस्टली जब हम धारवाड़ और कुडप्पा एज की बात करते हैं तो उन एजेस में उस वाले टाइम में मिलता है, तो इंडिया की उस वाली स्ट्रेटिग्राफी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड है। तो ये सब टर्म्स अगर नहीं समझ में आ रही तो यहाँ तो एटलीस्ट रट लो, अगेन एंड अगेन इकोनॉमिक जियोलॉजी में सेम चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, इनके लिए आपको बाकी पूरी अप्लाइड जियोलॉजी देखनी पड़ेगी। ओरिजिन की बात करते हैं, तो ओरिजिन अगर हम देखें तो ओरिजिन में हमको दो कॉन्सेप्ट पढ़ने मिल रही, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन से होती है और ये पोरफायरी या पोरफायराइट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कॉपर निकाला जाता है ये पोरफायराइट्स से निकाला जाता है। साथ में हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस क्या है, कॉपर डिपॉजिट लार्जली मतलब मोस्टली हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन से आता है, ठीक है। इनका जो जेनेसिस है दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स। देखो हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन पहले हम देख लेते हैं, ये आपको एक फिगर दिख रहा है, ये हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन है, ये एक हीट सोर्स है, ठीक है, ये सैंडस्टोन कोई भी रॉक हो सकती है, तो इसने इसको मेल्ट किया, प्लेट टेक्टोनिक में जैसे हम देखते हैं मेल्ट किया, तो अल्टीमेटली जो ये सैंडस्टोन है या कोई भी यहाँ पर येलो वाला जो भी मिनरल था, इसकी मेल्टिंग हुई, देन ड्यू टू एनी रीज़न मैगमास की वजह से या फिर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से किसी वजह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मिनरल डिपॉजिट इस रास्ते में, इस जगह मिनरल डिपॉजिट होने लगेंगे, जैसे ऐसे इसकी कूलिंग होगी, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इस जगह पे मिनरल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन। ये जो लाइंस दिख रहे हैं दीज आर फ्लो ऑफ हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस। तो हाइड्रोथर्मल मिनरल डिपॉजिट या ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिनमें हॉट वाटर आपका डिपॉजिटिंग या मिनरलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें वो कंसंट्रेट करता है, मतलब 5% से लेके 10%, उससे 50% ये ओर में मतलब मिनरल की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से ऊपर लेके आ रहा है, साथ में डिपोजिशन जैसे कूलिंग होती जाती है वैसे उसको डिपॉजिट करता है, नीचे से यहाँ से निकलता जा रहा है मैग्मा, तो यहाँ अभी थोड़ा कलेक्ट हुआ, थोड़ा और कलेक्ट हुआ, थोड़ा कलेक्ट हुआ, तो ये कंसंट्रेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह के जो डिपॉजिट हैं हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स कभी प्योर वाटर में नहीं मिलते, क्योंकि प्योर वाटर पुअर सॉल्वेंट है, तो ज़्यादातर मिनरल्स को सॉल्व अपने में घोल ही नहीं पाता है, उसको सॉल्यूशन नहीं बना पाता है, तो जब सॉल्यूशन नहीं बना पाता है तो ऊपर उसको खींच के नहीं लाएगा, तो हॉट ब्राइन क्या है, अपने साथ कॉपर के जो ओर्स हैं उनको अपने साथ उसका मिक्सचर बना लेता है, घोल देता है उसको, तो फिर ये वाटर भी ऊपर जा रहा है, साथ में उसके साथ में मिनरल्स भी ऊपर चले जा रहे हैं। अगर सीधे प्योर वाटर होता तो फिर वाटर यहीं रह जाता, वाटर ऊपर चला जाता वेपर बन के और मिनरल यहीं रह जाता। दीज आर नोन एज हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस, नाम से पता चला हाइड्रो जो वाटर और थर्मल जो हीट की वजह से बने हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है कि दीज आर फॉर्म्ड बाई हॉट ब्राइन्स। तो अगर आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ सीधे ये मैग्मा बन रहा है, ठीक है, इनकी कूलिंग से जो रॉक्स बन रही हैं, तो मैग्मा की कूलिंग से जो रॉक बनती है उन्हीं को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं मेनली। तो जो इनका जेनेसिस है दैट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स, जो कि आपकी इनवेरिएबली माइग्रेट हो रही है और कंसंट्रेट हो रही है अपराइजिंग सॉल्यूशन, जो आपके अर्थ क्रस्ट में अल्टीमेटली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो आपको अल्टीमेटली हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन याद रखना, ये तो आप अपने आप लिख ही दोगे, उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो एक केमिकल सॉल्यूशन होता है अपने माइग्रेशन में, और मेटल्स भी ले आते, जरूरी है कि आप कॉपर ही लेके आओगे, मतलब सिलेबस में है तो ऐसा नहीं है ना, कॉपर और जो जो भी उसमें घुल के आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी उसके साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो जब भी कॉपर की कोई इंडस्ट्री होती है, कॉपर प्लांट होता है, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, रेयर मेटल, ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट की तरह निकाले जाते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपर का प्लांट है सिर्फ और सिर्फ कॉपर वहाँ मिलेगा। देन इसके बाद आते हैं पोरफायराइट्स क्या होते हैं। देखो जो हमने अभी हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन पढ़ा, तो यही सॉल्यूशन हाइड्रोथर्मल है,
उसी का लमसम सेम टाइप ऑफ चीज़ है, कॉपर ओर बॉडीज़, इनको पोरफिरी कॉपर ओर बॉडीज़ या हाइड्रोथर्मल से रिलेटेड हैं। अब आपका ये हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट आपका यहाँ धीरे धीरे चला आ रहा है, ठीक है। तो अब जब ये डिपॉजिट हो गया उसको हम पोरफिरी या पोरफिराइट्स कहते हैं। तो ये कॉपर ओर बॉडीज़ हैं जो कि आपके हाइड्रोथर्मल फ्लूइड से बने हैं, जो कि एक मैग्मा चैम्बर से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब हमने ऊपर बात की थी, अभी यहाँ पर हमने बात की थी कि हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन ये एक आपका मिनरल डिपॉजिटिंग एजेंट है, ठीक है। ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक, ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट कर दे रहा है। जैसे ही उसने डिपॉजिट कर दिया तो ये आपके पोरफिराइट्स बन गए। तो ये मैग्मा चैम्बर में है। अब आप ये देख सकते हो यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, हम इस साइड में नहीं जा रहे। अगर लो सल्फाइडेशन हो रहा है तो दैट इज़ नॉट फॉर कॉपर, ठीक है। अगर हाई सल्फाइडेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ AU इज़ आई थिंक गोल्ड एंड पोरफिरी, यहाँ मॉलिबिडनम और AU गोल्ड ये सब मिलते हैं। इस एरिया में आपका ये आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस तरफ सल्फाइडेशन सल्फर का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है उस तरफ आपका कॉपर आएगा। कॉपर में सीधे क्वेश्चन अगर ओरिजिन पे पूछेगा तो इस पे ही पूछ सकता है, क्योंकि यही डिपॉजिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप और अच्छे से देखना चाहो इस फिगर को तो यू कैन सी सेम वही फिगर है। यहाँ से आपका मैग्मा चैम्बर था तो पोरफिरी स्ट्रोक हो गया यहाँ पर, यहाँ पर कॉपर AU, ये आप याद रखना, गोल्ड और कॉपर का मिनरलाइजेशन। तो कॉपर के जो प्लांट होते हैं उनसे गोल्ड भी आता है। हाई सल्फाइडेशन में मैसिव सल्फाइड लोड होता है यहाँ पर, ये इस एरिया में हो रहा है। देन लो सल्फाइड वेन्स हो सकते हैं, लोड्स और वेन्स अगर आपको फिगर याद हो तो ये इस तरह की होती है। लोड्स थोड़े बड़े होते हैं, वेन्स छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लर्न दिस फिगर, बट आई विल टेल कि आप ये वाले ऊपर के दोनों फिगर, ये वाला फिगर याद रखो, दिस इज़ मच बेटर। यहाँ टेम्परेचर वगैरह आपको रटने हो तो रट लो। देन इसके बाद हाइड्रोथर्मल ये पोरफिराइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ले, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन, वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आपके ये हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस हैं, जो ये फ्लूइड्स हैं, इनमें डाइक्स ऑफ पोरफिराइट इंट्रूसिव रॉक एसोसिएटेड है। हम डाइक देख रहे हैं ना, ये वाली वॉल्केनो के साथ जो निकल रही है मैग्मेटिक चैम्बर से, इनको हम डाइक कहते हैं। मोस्टली ये एसोसिएटेड होते हैं स्टॉक्स एंड कोनोलिथ से, ठीक है। ये आपके फिर मिनरोलॉजी में ये ध्यान आपको होगा अगर आपने पढ़ी हो, नहीं तो फिर अगेन इसको यहाँ मार करके रट के छोड़ दो। स्टॉक्स और कोनोलिथ इंट्रूजन होते हैं, मोनोजाइट या फिर डायोराइट, ये फिर याद रखो कि ये पत्थर मोनोजाइट सैंड होती है, ठीक है। पोरफिरी ऑफ अर्ली टर्शियरी एज, इस एज के होते हैं। तो आपको ये चार कीवर्ड इसके लिए याद कर लो, आप दूसरों से ऑटोमेटिक अलग हो जाओगे, साथ में फिगर याद कर लो, ठीक है। लेकिन जो ये डिपॉजिट है इनका ग्रेड कम होता है, बट हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम क्यों है, लगातार कंसंट्रेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, इनका ग्रेटर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है। पोरफिराइट्स नॉर्मली इस तरह से होते हैं, ठीक है, और लीस्ट कैपिंग इनके ऊपर हुआ करती है। और सुपरजीन सल्फाइड इनरिचमेंट जो हमने बताया, सुपरजीन इरा का नाम है और सल्फाइड इनरिचमेंट इनमें हो ही रहा है। देन प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम बात करें और प्रोस्पेक्टिंग गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, हमने जब माइनिंग पढ़ी थी, माइनिंग जियोलॉजी, देखो क्यों मैं इन सब टर्म्स को आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँ, क्योंकि माइनिंग में अब अगर आप देखो मेथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग में जियोलॉजी, फिजिकल, केमिकल एंड जियोबॉटनिकल चारों सिलेबस में है। तो प्रोस्पेक्टिंग अगर आपको पता हो, मतलब सर्च करना प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ जनधन योजना, तो इसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग हुई। प्रोस्पेक्टिंग फर्स्ट स्टेज है जहां आप एनालिसिस करते हो किसी टेरिटरी की कि यहां पर डिपॉजिट मिलेंगे भी कि नहीं, तो ये आपको सर्च करना है, प्रोस्पेक्टिंग हुई। इसके बाद सेकंड स्टेज आप एक्सप्लोरेशन पे जाते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग की गाइड्स क्या हो सकती हैं, इसकी जब भी आप सर्च करोगे तो वहाँ कुछ आप प्रॉपर्टीज ढूंढना स्टार्ट करोगे कि ये चीज़ें अगर मुझे मिली देन आई कैन गो फॉर कि दिस एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो होस्ट रॉक, नेचर ऑफ होस्ट रॉक क्या है, वहाँ जो रॉक्स मिल रही हैं उनका नेचर देखो किस टाइप की रॉक्स हैं। देन इसके बाद नेचर ऑफ अल्टरेशन ऑफ होस्ट रॉक, कि होस्ट रॉक तो इस टाइप की मिलनी चाहिए। सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि ए टाइप की रॉक्स हैं उनमें हमें कॉपर मिलेगा, लेकिन अगर ए में थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो गए तो भी तो आपको कॉपर मिल सकता है। तो आप वो अल्टरेशन आपको पता होनी चाहिए कि दिख नहीं रही है ए जैसी, बट दैट इज़ ए डैश है, लेकिन वहाँ पे आपको कॉपर मिलेगा, ठीक है। और वेरियस अल्टरेशन ऑफ कॉपर ओर, कॉपर ओर ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो जाए, तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेचर ऑफ होस्ट रॉक, सपोज आपको होस्ट रॉक इस कलर की दिख रही है तो इसमें सपोज कॉपर मिलता है तो आप खुशी खुशी चले जाओगे कि ये है, ठीक है। बट इसमें अगर कुछ अल्टरेशन हो गया, अभी रेड दिख रही है, आपको क्या पता कॉपर की वजह से, क्या आयरन की वजह से, किस वजह से है, तो इस रॉक में अल्टरेशन क्या हो रहा है और साथ में जो कॉपर मिनरल्स हैं इनमें क्या अल्टरेशन हो रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती जब भी हमने प्रोस्पेक्टिंग पढ़ी थी, तो इसकी हमने बात की ही थी।
तो नेचर ऑफ होस्ट्रॉफ, अब ये चीज़ें मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगेन ये नो कि ये रटने हैं, ठीक है। ग्रेइश ग्रीन कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन हो सकता है, ऑयली क्वार्ट्स हो सकता है, ये सब फेल्सपार, और ये डार्क फ्रेगमेंट ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इग्नियस रॉक के डार्क वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो दिखेंगे, सेकेंडरी क्वार्ट्साइट, स्कार्न रॉक्स और एसिड पोरफायराइट्स, या फिर बेसिक प्लूटोनिक रॉक्स जैसे डायबेस और स्प्लिटाइट हुआ। तो ये रॉक मिनरोलॉजी और रॉक अगेन सेम चीज़ है ना, अब यू कैन सी कि अप्लाइड पार्ट है। तो देन नेचर ऑफ अल्ट्रेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम माइनिंग जियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो डायबेसिक अल्ट्रेशन हो सकते हैं, एसिड पोरफायराइट्स अल्ट्रेशन हो सकते हैं, स्कार्न जो अल्ट्रेशन हो वो आपको दिख सकते हैं, और सैंड स्टोन में अगर इनरिचमेंट हो गया क्लोराइट का और नॉट ऑफ हाइड्रस आयरन ऑक्साइड। तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए आप ये कीवर्ड रट लो एटलीस्ट, ठीक है। बाद में जब रट जाएँ तो ये तो मतलब 300 प्लस की कहानी है, इसमें हम यहाँ फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, ना एग्ज़ाम में ना ही इस लेक्चर में हम इनको समझ सकते हैं, ना ही एग्ज़ाम में आप समझा सकते हो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने देखा नेचर ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ होस्ट रॉक कैसे हो सकती है, और अगेन कॉपर और बॉडी का ही अल्ट्रेशन क्या हो गया, तो हम इस चीज़ पर जाएंगे, या तो आयरन हेट या गोसोन, या फिर लिमोनाइट मिले, या ऑक्सीडाइज्ड कॉपर मिनरल जैसे मेलाशाइट या एज्यूराइट मिल रहे, और क्वार्ट्स में कॉपर मिनरल का भी इंट्रूजन हो सकता है, तो सिलिकेट अगर दिख रहा है तो वहाँ भी आपको ये सब चीज़ देखोगे। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ मेनली माइनिंग जियोलॉजी, बट आपको प्रोस्पेक्टिव ऑफ कॉपर पता होना चाहिए, मतलब माइनिंग में आपको जो केस स्टडीज़ उठानी है, जब आप माइनिंग जियोलॉजी लिखोगे देन यू कैन पिक केस स्टडीज़ फ्रॉम इकोनॉमिक जियोलॉजी, जो भी इकोनॉमिक जियोलॉजी में सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं, और इकोनॉमिक जियोलॉजी में सिलेबस में एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, जिंक, मैग्नीज, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, इंडस्ट्रियल मिनरल्स दिए हुए हैं, इसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट दिए हुए हैं। तो बेटर है जब आप माइनिंग जियोलॉजी में कुछ एग्जांपल्स दो प्रोस्पेक्टिंग में, तो इधर उधर के फालतू एग्जांपल दो, उससे अच्छा जो आप रट ही रहे हो यार, ये रटना इजी थोड़ी है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर दैट। देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हमें दो तरह के दिखते हैं जब भी हम जियोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जब जियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ते हैं तो मेनली जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश कर देते हैं, जैसे अभी हमने देखा था खेतरी माइन के बारे में पूछा, या मलनजगढ़ कॉपर बेल्ट के बारे में पूछा, तो खेतरी माइन की ये कैरेक्टरिस्टिक है, अगर दो नंबर का क्वेश्चन पूछा तो इतना लिख दो, प्री अरावली और डेली ग्रुप ऑफ रॉक है, या फिर जो कॉपर मिनरलाइजेशन ओरोजेनेटिक, जो ओरोजेनेटिक मीन माउंटेन बिल्डिंग, उनके आसपास मिला है, या एमपी में मलनजगढ़ कॉपर बेल्ट, अब ये 10 नंबर का पूछा, ये 2 नंबर का पूछा, आप समझ सकते हो इसकी औकात ही 2 नंबर की है, तो बुंदेलखंड ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स जहां पर कॉपर रीफ है, ये तो ये चीजें आपको याद करनी है। तो मैं ये टेबल्स इस लेक्चर में तो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट एडवांस्ड लेक्चर में वहां हम इन चीजों में डिस्कशन करेंगे अगर इन चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, फिलहाल इस लेक्चर के लायक नहीं, तो ये बहुत हैवी लेक्चर हो जाएगा, पहली बार तो जिंदगी में जियोलॉजी पढ़ रहे हो। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट, फॉर्मेशन और जियोलॉजी, 3 चीजें देखनी है मेनली। आप ये देखोगे कौन कौन से स्टेट में मिल रहे हैं, तो ये आपको मिल रहा है बिहार, बिहार में सिंहभूम कॉपर बेल्ट एंड हेसा टू बेल बातान कॉपर बेल्ट, तो ये मिल रही है। इनमें फॉर्मेशन किस टाइप की रॉक में हो रहा है, उसमें कौन से मिनरल्स हैं, हम इनकी बात करते हैं, और जियोलॉजी में मतलब क्या है उस टाइप की जियोलॉजी, मतलब मेनली हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं कि कहाँ शेयर जोन है, ठीक है, ग्रेनाइट मैसिव, ये आपको मिलेगा मिनरोलॉजी और जियोमॉर्फ, ठीक है, धंजौरी बेसिन में मेटा लावा और क्वार्ट्जाइट ओवराइट मिलते हैं, ठीक है, इनकी डिप की बात हम करें तो ये चीज़ें फिलहाल आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, इनको हम लेवल 3 में बात करेंगे। यहाँ आप सिर्फ ये बोल्ड बोल्ड वर्ड याद रख लो कि यहाँ पर हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ चायबासा स्टेज है। अभी चायबासा स्टेज क्या है, धंजौरी बेसिन क्या है, सिंगबूम ग्रेनाइट मैसिव क्या है, इनके लिए आपको समझनी पड़ेगी स्टेटिग्राफी, अल्टीमेटली यहाँ रट डालो। बिहार में ये 2 बेल्ट हैं, सीधे ही एग्जाम में पूछेगा। देखो अल्टीमेटली ऑप्शनल में आपको चीज़ें रट के उगल के आनी होती है, समझ में आए ना आए, तो फिलहाल से रटना स्टार्ट कर दो, इसके बाद आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि जब भी आप बाकी सिलेबस पढ़ रहे हो तो यू हैव टू गो फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। तो देन हेसा टू बेल बतान बेल्ट के बारे में क्या है, लेंसेज या पॉकेट में मिलते हैं, लेंसेज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो इस टाइप के रॉक बॉडीज होती हैं वो लेंसेज या पॉकेट होते हैं, छोटा नागपुर की ग्रेनाइट और नीस या नीस रीजन में मिलते थे। राजस्थान में खेतरी बेल्ट, पुर बानेरा बेल्ट या भिंडर बेल्ट और अदर डिटैच्ड, 3 तरह के ऑकरेंसेज मिलते हैं। प्री अरावली, अरावली ये रॉक्स हैं, कॉपर मिनरलाइजेशन आपका स्ट्रक्चरल जोन्स ऑरोजेनेटिक मूवमेंट में दिखते हैं। देन एमपी की बात करें तो मलनजगढ़ कॉपर डिपॉजिट बालाघाट में है, यहाँ पर बुंदेलखंड ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। क्वार्ट्ज रीफ मिलती है, तो क्वार्ट्ज रीफ जैसे हमने अभी देखा था ना कि जो यहाँ पर देखा था प्रोस्पेक्टिंग गाइड्स में, जो क्वार्ट्ज में हमारा जब 3rd वाले में कॉपर की इनरिचमेंट हो रहा है क्वार्ट्ज में, वो वाला। तो बुंदेलखंड में ग्रेनाइट कॉम्प्लेक्स में क्या है, प्री कैम्ब्रियन मेटा सेडिमेंट्री है, चिपली घाट फॉर्मेशन, अभी चिपली घाट है, दामुदा, पांचेटी, सब सीरीज है। अनकन्फॉर्मिटी क्या होती है, अगेन ये हम जियोमॉर्फ में, स्ट्रक्चरल में और स्टेटिग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये स्टीप डिपिंग लीनियर बॉडी है,
तो एमपी का ये कैरेक्टरिस्टिक है, एमपी में, आंध्र प्रदेश में ये वाली बेल्ट दिखती है, तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये नोट्स अवेलेबल हैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप यूट्यूब पर फ्री देख रहे हो तो यहाँ पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो, डायरेक्टली नोट्स बनाने हैं। कर्नाटका में धारवाड़ बेल्ट है, पेनिनसुलर जिनेइस बेसमेंट है, चित्रदुर्गा के कुछ आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पर कुडप्पा बेसिन के नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर क्वार्ट्ज रीफ या क्वार्ट्ज क्लोराइट शिष्ट जंक्शन पर इन पे मिला करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में फिलहाल के लिए एग्जाम्पल रटो, ये एग्जाम्पल प्री तक रट लो, दैट इज एनफ। इसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके हैं, एक तो आप बना दो मैप, ठीक है। तो मैप बनाने का तरीका तो है ये कि अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाना है तो वर्ल्ड का मैप आप इस तरह से बना सकते हो, और इंडिया का मैप बनाना है तो इंडिया का इस तरह से बना सकते हो। तो ये माइंस एक बार आप एरिया देख सकते हो, ये छोटा नागपुर प्लेटू में पालामू रीजन है, सिंहभूम, हजारीबाग, देन बालाघाट, बैतूल, देन ये सारे रीजन मोस्टली अगर आप देख रहे हो तो राजस्थान एरिया में कॉपर माइंस है, कुछ पहाड़ों में ही मिलता है, बट दोज आर इनसिग्निफिकेंट। तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं जियोलॉजिकल के बाद ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि कौन कौन सा एरिया में है, बाकी अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर इन डिटेल्स। बिहार में सिंहभूम कॉपर बेल्ट है, इनमें से जो नाम याद हो जाए रट लो, नहीं याद हो कोई बात नहीं, दो तीन नाम तो रट लो, मतलब सिंहभूम तो सबको ही रट रहा है, बिहार ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को भी आता है, आपको क्या एक्स्ट्रा आता है, तो एटलीस्ट राखा और ये दो तुरामदी रट लो, यूरेनियम मिला करता है यहाँ पर, ठीक है। नाम हमेशा ऐसे रटो जो दो तीन ओर्स में कॉमन दिख जाए आपको, ठीक है। देन हसे टू, ये वाली बेल्ट हमने ऊपर देख ली, तो इसमें जो रीजंस हैं उनमें से ये है, कहाँ कहाँ जाती है ये बेल्ट, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हसे टू से लेके यहाँ तक बाल बेतान तक जाती है इस एरिया में, यहाँ पर हसे टू है हजारीबाग इन वेस्ट और ये वाला ईस्ट। तो ये कुछ उसके फैक्ट्स है। राजस्थान में खेतरी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, खेतरी वही है जहाँ पर हड़प्पा कल्चर के टाइम पर मिला करता था। तो मदान, कुदान, कालीहान और ये जो जो नाम से रट लो, ठीक है। पुरबानेरा भिंडर बेल्ट, अब ये नाम रटने पड़ेंगे आपको। देन इस एरिया में चार स्मॉल बेल्ट मिलती हैं, पुरबानेरा से लेके वारी भोपाल सागर बेल्ट। देन डिटेस्ट ऑकरेंसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आप देख लो, दिस इज़ नागौर नॉट नागपुर। एमपी में मलंजगट बालाघाट है, कर्नाटका में चित्रदुर्गा कल्याणी, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मिलते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा है, या तो इसका राजस्थान का पूछेगा, या बिहार का पूछ सकता है, या फिर पूछेगा एमपी का मलंजगढ़, क्योंकि इसकी जियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल जब पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद हम इन टॉपिक के लेवल 3 पे आएंगे। इनफैक्ट सारे जितने भी मिनरल्स हैं 8-9 उन सब पे यहाँ आएंगे। इसके बाद बात करते हैं रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, रिकवरेबल रिजर्व्स जिनमें 1% या ज़्यादा और है वो, कंडीशनल रिजर्व और प्रोस्पेक्टिंग रिजर्व्स, पहले समझ लेते हैं फिर नाम पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद समझेंगे। रिकवरेबल रिजर्व्स जिनको आप रिकवर कर सकते हो इतने हैं, 325 मिलियन टन है, अगर उसमें हम कॉपर निकालें तो अराउंड 3 मिलियन टन है। तो इसको आप 325 का 350 भी रख सकते हो, 300 भी लिख सकते हो चलेगा, मतलब अराउंड 300 से 400 की रेंज में कुछ लिख देना और यहाँ 3 से 4 के आसपास लिख देना, इतना मेटल कंटेंट हम ला सकते हैं। यहाँ क्लियरली दिख भी रहा होगा कि अराउंड 1% ही मैक्सिमम है, 1% या मोर, मतलब उतना ही और मिलता है तो इसका 1% ही हुआ, बात खत्म। तो बस तीन है तो यहाँ 320 हो गया। रिजर्व विद 1% या मोर, अगर ये इस टाइप के रिजर्व्स हैं तो इनको हम रिच इन ओर कहते हैं। बिहार में इतने, एमपी में इतने, राजस्थान में इतने, अराउंड 100 है, ठीक है। तो आप ये देखो 325 में अराउंड 300 तो यहीं से मिल रहे, तीन जगह से, ठीक। तो यही तीन जगह के क्वेश्चन पूछ रहे। देन कंडीशनल रिजर्व्स और प्रोस्पेक्टिंग रिसोर्सेज, कंडीशनल रिसोर्सेज ये क्या है, ये फिगर आप समझो एक बार, ये वाली फिगर या ये वाली फिगर या ये वाली फिगर, तीन फिगर्स दे दी हैं, तीनों में डिटेलिंग, पहले में कम डिटेलिंग है, दूसरे में ज़्यादा डिटेलिंग है, तीसरे में उससे ज़्यादा डिटेलिंग है। तो देखो मेन चीज़ है, जब भी हम और रिकवरी की बात करते हैं तो एक तो हम देखते सर्टेनिटी, ठीक है, कितना सर्टेन है। तो कंडीशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें हाई सर्टेनिटी होती है लेकिन उनमें प्रॉफिट लो होता है, ठीक है। कंडीशनल मतलब आपकी मजबूरी ही हो जाए तभी आप इनको एक्सट्रैक्ट करोगे, अदरवाइज आप इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। हाइपोथेटिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी सर्टेनिटी, जिनमें निकलने की लो है और प्रॉफिट पूरा हो सकता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हाइपोथेटिकल हो सकता है निकल आए और, तो वो हाइपोथेटिकल से आपका इस जोन में आ जाएगा, ठीक है। देन जो रिजर्व्स होते हैं उसमें प्रूवन रिजर्व, प्रोबेबल और पॉसिबल रिजर्व, तो 1P, 2P, 3P इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो ये हुआ फिगर जब भी आप रिसोर्सेज की बात करोगे। इसी फिगर को अगर हम दोबारा समझना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं चांस ऑफ कमर्शियलिटी या प्रोजेक्ट अप्लाइड।
तो इसमें आप अगर आप ये देखो, दिस इज अनडिस्कवर्ड वाला पार्ट है, दिस इज डिस्कवर्ड। प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज वही होते हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए, और डिस्कवर्ड में दो तरह, दोनों में, डिस्कवर्ड में अनडिस्कवर्ड में कुछ ऐसा पार्ट होगा जो आप रिकवर कर ही नहीं सकते, आपको पता है लेकिन आप निकाल ही नहीं सकते तो उसका क्या कर लोगे, ठीक है। देन डिस्कवर्ड में होता है सब कमर्शियल और कमर्शियल, ठीक है। जब आपकी मजबूरी हो जाए तो आप सब कमर्शियल में जाओगे, चांसेस ऑफ डेवलपमेंट इतने हैं, यहाँ तो आप डेवलप कर रहे हो, डेवलप हो गए, यहाँ रिकवरी आपको करनी है, चांसेस ऑफ रिकवरी बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगेन इसमें टेक्निकल सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इस तरफ को बढ़ रही है, प्रूवन, प्रोबेबल और पॉसिबल। टेक्निकल, अगर टेक्निकली फिजिबल है तो आप उसको डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, नहीं फिजिबल है तो प्रूव्ड है लेकिन नहीं निकाल सकते, ठीक है। मेघालय में यूरेनियम मिलता है, प्रूव्ड है लेकिन यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट, तो फिर वो आपका इस एरिया में आएगा, 1P में आएगा, ठीक है। देन कंटिजेंट रिसोर्सेज, तो इसी की अगर हम इसी फिगर को अगर आप और एक्सप्लेन करें तो ऑन प्रोडक्शन ये वाले पार्ट आप ऐड कर सकते हो, ये वाला जो है प्रोजेक्ट मैच्योरिटी सब क्लासेस, तो इस फिगर में इतना ही, ठीक। देन इसके बाद वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखें तो अगर आप देखो यहाँ पर मेक्सिको में दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में है, यहाँ पर इंडिया तो कहीं नामो निशानी नहीं दिखता है, यहाँ पर पोलर डिवीज़न है, यहाँ पर यहाँ ईस्टर्न यूरोप में दिखता है, यहाँ इस एरिया में पपुआ न्यू गिनी में दिख रहा है, देन अगेन थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में। तो कुछ रीजंस याद कर लो, वर्ल्ड वैसे भी सिलेबस में नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड में कहाँ मिलता है। चिली है जो ये वाला चिली, चिली टॉप प्रोड्यूसर है कॉपर का, एटलीस्ट 1/3 मिलता है। देन USA, इंडोनेशिया, पेरू, ये ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है। बाई प्रोडक्ट जैसे हमने देख ही लिए थे कि आपका इस वाले प्रोसेस में हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जब इसका डिपोजिशन होता है तो वहाँ जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें गोल्ड, सिल्वर, जो भी मेटल्स हैं वो बाई प्रोडक्ट की तरह निकलते हैं। गोल्ड की जो सेकेंड बेस्ट इंडस्ट्री है जहाँ से आप गोल्ड रिकवर करते हो, दैट इज़ कॉपर इंडस्ट्री। तो गोल्ड जब भी आप लिखोगे आपको कॉपर प्लांट्स की बात करनी पड़ेगी। इंडिया में गोल्ड के रिसोर्सेज क्या है, मतलब कॉपर प्लांट है। देन इंडिया में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का प्रोडक्शन 40,000 टन है, मतलब कुछ भी नहीं, 30th पोजीशन पे है। इसमें कुछ स्मेल्टर है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के हैं, उसमें घटशिला बिहार में, इसके एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी ठीक है, रटना है रट लो, अदरवाइज आई वॉन्ट टेल, यही रट लो, घटशिला और खेत्री इन राजस्थान में HCL के प्लांट्स हैं, बाकी आपकी मर्जी एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है रट लो। देन ये कॉपर माइंस हमने यहाँ बात करी ली थी, कहाँ कहाँ माइंस हैं, एक्चुअली ये माइंस हमको डालनी चाहिए थी यहाँ पर जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसको मैं फाइनल PDF में आई चेंज इट। देन इसके बाद पीक कॉपर की बात करते हैं। देखो पीक कॉपर या पीक इस रिसोर्स होता क्या है, जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल है तो पहले हमारा सपोज़ ये रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो ये ज़मीन में पड़े हैं कई हज़ार सालों तक, तो ज़मीन में पड़े हैं एंड वी आर अनेबल टू यूज़ देम, तो 0% आपका रिकवरी हुई, ठीक। अब आपको धीरे धीरे पता चला और अब इसका यूज़ बढ़ा तो अब इसकी रिकवरी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमा इतना ही है, ठीक, 100% यहाँ पर रिकवरी हो रही है, सॉरी यहाँ पर देखो कि ये आपका इतना रिसोर्स है और काफ़ी लंबे टाइम से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर पहुँच गए, ठीक। नाउ यू नो कि इसको हम रिकवर कर सकते हैं और यूज़ है, तो आपने रिकवर करना स्टार्ट किया, दिस इज़ 100% लाइन। अब यहाँ के आप धीरे धीरे सेचुरेशन आना शुरू होगा, एक टाइम के बाद आपकी रिकवरी या और का डेवलपमेंट कम होगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं पीक कॉपर या पीक ऑयल या पीक ऑफ एनी मिनरल, ठीक। तो यही पीक कॉपर है, इट इज़ द पॉइंट इन टाइम जहाँ पर मैक्सिमम ग्लोबल कॉपर प्रोडक्शन रेट रीच होगा, ठीक है। अब देखो ये सब जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे इकोनॉमिक जो ये सब फाइनाइट रिसोर्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है नहीं, तो इसलिए कभी ना कभी ये पॉइंट आ जाएगा कि मतलब जो भी आपका माइनिंग से प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, इन फ्यूचर न्यू प्रोडक्शन फ्रॉम माइनिंग, ये चीज़ याद रखना, वो ख़त्म हो जाएगा, और उस टाइम के पहले, पूरा ख़त्म होने से पहले ऑब्वियसली आप मैक्सिमम तक पहुँच जाओगे, तो कुछ ऐसा होगा कॉपर का पीक इस टाइप का और फिर बहुत तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। तो हमेशा पीक रिसोर्स ऐसे होते हैं, पीक ऑयल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन अनलाइक फॉसिल फ्यूल कॉपर की क्या होती है, स्क्रैपिंग और रीयूज्ड, हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि रिसाइकलिंग इसका मेजर सोर्स है, ठीक। तो माइनिंग से तो ये आपका पीक आ जाएगी कि माइन अब जितना होना था हो चुका, माइन में ख़त्म हो गया, लेकिन 80% ऑफ कॉपर जो कभी भी माइन किया गया दैट इज़ स्टिल अवेलेबल, तो इसके वजह से एक डिबेट भी चला करती है कि मतलब पीक ऑयल तो ठीक है बट कॉपर का पीक टाइम आएगा कभी कि नहीं आएगा, दैट इज़ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो अगर आप ये देखो प्रोडक्शन अभी तो बढ़ ही रहा है, कम होने की तरफ तो नहीं है और अगले कई साल तक नहीं रहेगा, तो पीक कॉपर आपका ऑब्वियसली इजली तो लोगों को नहीं पता होगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सिनॉप्सिस पर ही मिलते हैं या आई एम टीचिंग। रिसाइकलिंग से कैसे मिल रहा है, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इनफैक्ट GS में भी रिसाइकलिंग की वैल्यू होती है, ठीक। तो एल्यूमिनियम की तरह स्पेशली कॉपर रिसाइकलेबल क्यों है,
जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर, ये मोस्ट रिसाइक्लेबल मेटल माने जाते हैं। तो कॉपर इज़ रिसाइक्लेबल विदाउट एनी लॉस ऑफ क्वालिटी, कोई क्वालिटी लॉस नहीं होती है, ना ही उसकी चमक जाती है, ठीक है। और रॉ स्टेट में और मैन्युफैक्चर्ड स्टेट में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप वेस्ट प्रोडक्ट लेके आओ चाहे आप माइनिंग से प्रोडक्ट लेके आओ। वॉल्यूम में अगर बात करें दुनिया भर में कॉपर थर्ड मोस्ट रिसाइकल्ड मैटर है, सबसे पहले आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन में हम जब इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं तो मार्केट बेस्ड जो आयरन इंडस्ट्री हैं उनका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ स्क्रैप। मतलब आयरन इंडस्ट्रीज़ है ना, जो छोटे लेवल के आयरन प्लांट हैं आजकल वो मार्केट्स में लग रहे हैं, सिटी सेंटर के आसपास लग रहे हैं, और वो कबाड़ी वाले उसको मेन रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चंस आए हैं जीएस में और ज्योग्राफी ऑप्शनल में। देन ये हम बात कर ही चुके हैं रिसाइकलिंग में, तो अगर रिसाइकलिंग का क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख दो। माइनिंग और मेटलर्जी पे बात करते हैं। माइनिंग इन इंडिया, प्रोसेस ऑफ माइनिंग अगेन यहाँ पर माइनिंग जियोलॉजी के फंडे हैं। देन यूजेज ऑफ कॉपर, यूजेज सीधे पूछ लेता है। तो माइनिंग की अगर हम बात करें और मेटलर्जी की बात करें तो मोस्ट कॉपर जो ज़्यादा माइन किया जाता है कॉपर सल्फाइड, इनसे माइन किया जाता है, और लार्ज ओपन पिट माइंस। तो ये आपको याद रखना है, कॉपर के ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर्स नहीं काम करते हैं, ठीक है। पोरफायरी कॉपर डिपॉजिट जो कि इग्नियस रॉक्स होती हैं उनसे आता है, और इनका जो मेन कंसंट्रेशन है 0.4 to 1% कॉपर है जो ये माइन है। दिस इज़ चुकुनी का माटा, जो भी रट लो, ये चिले में है और दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट माइंस में से एक है। तो ये रटना तो नहीं है, बस इसकी शक्ल देख लो ऐसे दिखती है, ताकि ये नाम अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। इंडिया में जो माइंस हैं, अभी जब हमने यहाँ पढ़ा था जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने रीज़न पढ़ लिया था कि सिंहभूम में ये रीजन्स है, लेकिन इस एरिया में, राखा एरिया में कुछ माइंस भी तो हो सकती हैं। तो माइंस इन इंडिया कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये उन जगहों के नाम हैं कि मोसा बोनी ये, तो इनमें से आप कुछ दो चार माइंस याद कर लो। लोग सिंहभूम और खेतरी इतना ही रटते रह जाते हैं, अगर आपने पाँच में से एक दो माइन, फॉर एग्जाम्पल दिस सिंहभूम कॉपर बेल्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस खेतरी, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, खेतरी तो सबको पता है, लेकिन आप इनमें से एक आधा नाम याद करो ना, देन एक एक माइन ये वाले याद कर सकते हो, अलवर में है यहाँ पर और बालाघाट में, बालनजकड़ में। तो गंदे गंदे नाम अगर आप याद करोगे तो ऑब्वियसली आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा और विद टाइम आपको समझ आएगा कि हाँ यू आर बेटर देन अदर्स। तो प्रोसेस ऑफ माइनिंग थोड़ी समझ लेते हैं कैसी है, और यही आपको माइनिंग जियोलॉजी में जब भी ये क्वेश्चंस आए उनकी बात करना। देखो पहले प्रोसेस ऑफ माइनिंग का हम एक बार कंटेंट देखते हैं क्या है। प्राइमरी क्रशर में डालते हैं कि बड़े बड़े होते हैं ओर्स, ठीक है, उनको मतलब बड़े बड़े ओर्स को हम क्रश करके छोटे छोटे 10 cm तक में लाते हैं, 10 cm से सेकेंडरी क्रशर में लाते हैं तो उसमें अराउंड 9 mm के आ जाते हैं। देन उसके बाद ग्राइंडिंग होती है बॉल मिल में, फ्रोथ फ्लोटेशन मशीन होती है, 98% तक कंसंट्रेशन हो जाती है, इसमें अराउंड 1/4 कॉपर होता है। देन फिल्टरिंग और ड्राइंग होती है, रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग में सल्फर रिमूव होता है। देन इसमें रिवर्बरेटरी स्मेल्टिंग फर्नेस आती है, तो अराउंड 50% कॉपर आता है, इसको हम मैट कहते हैं, MATTE मैट कहते हैं। 50% मैट होता है, 50% वेस्ट स्लैग होता है, और जो मैट है इसको अगेन हम कन्वर्टर में ट्रीट करते हैं, तो उससे हमारा आता है लो ग्रेड या ब्लिस्टर कॉपर। देन रिफाइनिंग फर्नेस में रिफाइंड कॉपर इनगॉट फॉर्मेट में मिलता है, जो इनगॉट्स होता है ना, इनगॉट एल्यूमिनियम, इनगॉट आयरन, ये इसका मतलब होता है आपका रिफाइंड ओर। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को बुक में ऐसे लिखा हुआ है, चाहे तो आपका मन करे तो आप ये फिगर बता दो, माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी क्रशर ऑक्साइड ये बनाना, ये बना दो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में ये वाला फिगर बनाना है, ये वाला फिगर बना दो, ये वाला फिगर बना दो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, ये आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, जो आपको बनाने हो वो बना दो फाइनल, ठीक है। तो इनमें से आप एक फिगर, आपको जो ठीक लगे वो आप बना सकते हो। इसके बाद यूजेज ऑफ कॉपर, या फिर जब भी हम जियोलॉजी में मिनरल के यूज़ पढ़ते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं हम लगातार, अगर प्रीवियस ईयर वाली बुकलेट में देखें तो यूजेज ऑफ कॉपर, तो इन जनरल हम यूजेस तो नॉर्मल ABCDE करके बताए थे, GS में अगर हमें बताना है या ज्योग्राफी ऑप्शन में बताना है, बट जियोलॉजी में आप स्पेसिफिक यूजेस बताते हो विद उनकी जो प्रॉपर्टी है। तो जैसे इंडस्ट्रियल है तो इसको आप बताओगे कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी, ऐसी उस वजह से बताओगे। ऑटोमोबाइल में इसकी यूनिक टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी एक तो, ठीक है। जैसे हाई स्ट्रेंथ होती है तो इसको आप हाई स्पीड व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक। मोस्ट ऑफ द एसेंशियल और ऑल नॉन फेरस मेटल्स, जो भी हमारे मेटल होते हैं फेरस और नॉन फेरस में आप क्लियरली उनको डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में से एक है ब्रॉन्ज, इससे पहले से यूज़ होता आ रहा है। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में आप वायर्स देखते हो, कंडक्टर वाइंडिंग या जो भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से जो इस कॉपर कलर की वायर्स होती है, मोटर में आपने देखी होंगी, ठीक है, जो घरों में फ़ैन की मोटर होती है, ये कलर आपको याद होगा, दिस इज़
जैसे इस कलर की जो वायर्स होती है ये सारी कॉपर वायर होती है, तो हम क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम वायर हमें नहीं चाहिए, कॉपर की वायर चाहिए, तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। देन ऑटोमोबाइल में यूनिक इनकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ होती है। देन एलॉयज बनते हैं, रेडिली मिक्स हो जाता है, इजिली मिक्स हो जाता है ये, ठीक है। तो ब्रॉन्ज, गन मेटल और ड्यूरेलमियम ये होते हैं, इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, 4% ही कॉपर है, इसमें 90% कॉपर, इसमें 80% कॉपर है। तो इस वाले में आप देखो एल्यूमिनियम का ओर है मेनली, मोस्टली इसमें कॉपर को हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक यूज़ में ऑर्नामेंटल यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट मेटल की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी शेपिंग इजी कर सकते हो। घर में भी कॉपर की चम्मच क्या करते हो आप, इजीली मतलब तोड़ मोड़ कर लेते हो ना, मोड़ लेते हो बट टूटता नहीं है। केमिकल्स की बात करें, क्लोराइड इन्फेक्टेंट की तरह है, सल्फेट, इसको ब्लू विट्रियल कहते हैं, प्रिंटिंग डाइंग ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ कॉपर सॉल्ट आपके कलरिंग ग्लासेस के लिए भी यूज़ होते हैं, और अदर कुछ यूज़ हैं आर्किटेक्चर में, एंटी बायोफ्यूलिंग, एंटी माइक्रोबियल, हम कॉपर की बॉटल में पानी पीते हैं ना, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिगेशन, ये मतलब DNA एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो दया दरवाज़ा तोड़ दो उसमें यूज़ होती है। देन फोक मेडिसिन में भी यूज़ होती है, फोक मेडिसिन अगेन हमने देखा कि जो हमारी पानी की बॉटल्स हैं हम उस तरह यूज़ करते हैं, पुराने टाइम से ये सब चीज़ें यूज़ होती आ रही हैं। अगर हम इकोनॉमिक जियोलॉजी की बात करें, एल्यूमिनियम कवर अभी नहीं हुआ है, क्रोमियम कवर हो गया है, कॉपर कवर हो गया है, आयरन कवर हो गया, मैंगनीज कवर हो गया, तो नेक्स्ट 3-4 लेक्चर में गोल्ड कवर होगा, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हम कवर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द लेक्चर तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो खुद को और उसे एक्स्ट्रा अलग नॉलेज के लिए। यहाँ पर आपको कुछ मेंस के स्पेशल कोर्सेज एक्स्ट्रा वी आर प्रोवाइडिंग, साथ में पेड रिसोर्सेज में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप एडवांस लेक्चर जो लेवल 3 के हैं, आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें वी आर प्रोवाइडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्री कोर्सेज ऑब्वियसली एट यूट्यूब, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और एडवांस लेक्चर और इवन डेफिनेटली स्टडी मटेरियल आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट इज़ सेपरेट थिंग, बट ये आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट अगर आप हो तो यू कैन गेट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।